आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज है 5.1। पहला जो सवाल है इसमें sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये आपको बताना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां आपको sec दिख रहा है, 10 लाना है, तो सिंपल आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो है sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस जगह क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। जब हम sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा क्या, sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर 1 बचेगा। अब जानते हैं कि ये sec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहां लिख दिया। और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, यानी कि यहां 1 अगर हम ले गए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया तो tan स्क्वायर थीटा हुआ ही, तो इसकी जगह पे आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यही आपको दाएं हाथ पे चाहिए था। नेक्स्ट वाला है sin की पावर 6 और cos की पावर 6, इसको बताना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, साइन और कॉस ही लाना है, यानी कि आपको साइन और कॉस में कोई तब्दीली करनी नहीं है। साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 6 है, तो ये फॉर्मूला जरूर बन रहा है। कैसे फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपकी ए की पावर 6 है प्लस बी की पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर 3 और बी स्क्वायर की पावर 3, ये कितना हो जाएगा ए की पावर 6 और बी की पावर 6। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब कर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब कर देंगे। अब इसमें देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो उससे ये सॉल्व हो पाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस ए की जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा रखना, ध्यान रखिएगा ये ए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, और बी जो ए है ये ए साइन स्क्वायर थीटा है, और बी की जगह आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब ये जानते हैं ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन ही होता है, यहां पर आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को जरा साथ ले आइए यहां पर, और इधर पे अगर आप चाहें तो यहीं पे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर यहां तो बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रख दीजिए, अभी हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर हम किसी तरीके से इसको 2ab भी लिख दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। इसमें ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए 2ab और 2ab प्लस करेंगे, 2ab ही माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा a इसमें a क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है, b cos स्क्वायर थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा तो ये है ही हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये a हो गया a स्क्वायर, और ये b, ये a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, हमने क्या किया प्लस, ये अपने आप जोड़ा 2ab, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और इसी को सबट्रैक्ट कर दिया। अब 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम एक ही वैल्यू जोड़े घटाएं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पे, ये वाली जो संख्या है उसको हम आखिर में लिख देते हैं। अब आप देखें इसको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, ए इसमें ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको सीधा हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। अब ये वाला यहां से यहां तक तो हमने डील कर लिया, ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपने जोड़ा घटाया था, और यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो यहां से आपको मिला ही था। अब ये माइनस टू और माइनस वन बना के माइनस थ्री हो जाएंगे, तो ये माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए ये है बी ये है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वन होता है, इसकी जगह वन लग दीजिए, बाकी थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल ही रहा है, बस ये आ जाएगा डायरेक्ट, यहां पर इसको वन रख दीजिएगा। अब है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको प्रूव करना है कि ये वन है, तो वन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे जो रेसिप्रोकल्स है उनको बदल देते हैं, यानी कि ये कोसेक को कर देते हैं वन बाय साइन, सेक को कर देते हैं वन बाय कॉस, और साइन ये टेन थीटा को साइन बाय कॉस, और कॉस थीटा को कॉस बाय साइन कर देते हैं। इससे क्या मिलेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन,
तो 1 माइनस साइंस का थीटा क्या हो जाएगा, यहां ले जाएंगे तो कॉस का थीटा बनेगा, और इसको यहां ले जाएंगे 1 माइनस कॉस का थीटा तो साइंस का थीटा बनेगा। तो 1 माइनस कॉस साइंस, 1 माइनस साइंस का थीटा की जगह आप कॉस का थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस का थीटा की जगह आप साइंस का थीटा लिख दीजिए। अब साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा तो 1 होता ही होता है, यहां पर 1 लिख दीजिए। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा बन के साइंस का थीटा मल्टीप्लीकेशन में है ना नीचे। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइंस का थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस का थीटा, ऊपर कॉस का थीटा साइंस का थीटा, यहां से और यहां से मिली गया आपको। अब आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से काट दीजिए, साइंस स्क्वायर को साइंस स्क्वायर से काट दीजिए, बचा 1, वही 1 ही है इसका आंसर, और वही प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट वाला है कोसेक थीटा, यह सेक थीटा माइनस 1 है, माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। इसको प्रूव करना है कि यह टेन थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब जब आपको यह कोसेक दिख जाए या सेक दिख जाए, तो सबसे पहला काम होता है कि इनको आप नॉर्मल फॉर्म में बदल देंगे। नॉर्मल फॉर्म, वैसे तो नॉर्मल फॉर्म है ये, यानी कि अगर आपको इसके साथ कहीं साइन या कॉस दिख रहे हैं तो उसको उसमें तब्दील कर दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है शुरुआत के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें, हमारे पास क्लू नहीं है हम क्या करें कि ये ले आएं। तो थोड़ा सा शुरुआत के लिए हम ये करके देख सकते हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका अपना लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा कर देते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देते हैं, क्योंकि कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अब इससे क्या मिलेगा हमें, एक थोड़ा सा एक यहाँ पर फायदा कह लें या फिर एक एक चीज़ कह लें कि साइन थीटा हमारा नीचे आया है ना। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ से 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय साइन थीटा बाहर कॉमन ले लूँ, देखिए ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो क्या बनेगा, ये बने 1 बाय साइन थीटा हटा दीजिए यहाँ से, एक कॉमन ले लिया, तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस, क्योंकि आपने साइन थीटा बाहर ले लिया है, अब ये कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा पे कॉस थीटा आ गया। अब इसमें आप देखिए, ये कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस का थीटा, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा आपका आया। अब और क्या बन सकता है इसमें, यहाँ पर अब इनको कर दीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, यहाँ पर होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, एक कॉस थीटा कॉस थीटा बाहर ले लीजिए, इसको कॉस स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आएगा 1, क्योंकि मैं माइनस कर चुका हूँ, मतलब ये माइनस मैंने खोल दिया, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको माइनस रखिए, अभी हमने खोल नहीं रहे, ब्रैकेट नहीं खोल रहे, मैं ब्रैकेट नहीं खोला, तो 1 माइनस कॉस थीटा रख दीजिए, तो क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा था ही और यहाँ से नीचे कॉस थीटा ही बनेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साथ कर दीजिए। अब इसमें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसे क्या लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, एक साइन से चाहें तो एक साइन काट दीजिए, एक साइन से एक साइन काट दीजिए। अब बनता क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना, अब साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या आएगा साइन बाय कॉस माइनस, यहां पर आएगा साइन बाय कॉस इंटू साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यह है साइन थीटा, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा यही लाना था आपको। अब है 1 माइनस साइन ए कॉस ए बाय कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए के, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, तो इसमें क्यूब दिख रहा है तो क्यूब का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगने वाला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पहले इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दीजिए, इसमें ए है साइन साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया आपने, साइन ए प्लस कॉस या साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यानी कि ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए इसमें साइन थीटा है बी आपका कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। यहाँ पर क्या है हमको साइन कॉस नहीं, यहाँ पर सेक और कोसेक दिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस सेक को लिख दीजिए 1 बाय कॉस ए और इस कोसेक को लिख दीजिए 1 बाय साइन ए, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखें कि ये जो दाएं हाथ की चीज़ है यहाँ पर ये साइन ए कॉस ए तो हटा दीजिए, ये दोनों कॉमन है ना, हटा दीजिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बना साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये जो है साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है, ये 1 होता है, इसकी जगह रख दीजिए 1,
ये 1 माइनस साइन ए कॉस ए बन जाएगा। अब यहाँ आइए, हम क्या करेंगे, ये 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए, 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए कैसे बनेगा, 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए, तो ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, तो ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। तो एक कॉस को इससे हटा दीजिए, जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ बिल्कुल हटा दी जाएगी, हटा दिया करिए। अब यहाँ पर क्या बना, कॉस ए माइनस ये 1 माइनस साइन ए कॉस ए, अब ये मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या बना, ये 1 माइनस कॉस ए कॉस ए साइन ए था ऊपर, ये हमारा 1 माइनस साइन ए कॉस ए आ गया, तो इसको तो हटा दीजिए, दोनों बराबर है। एक साइन ए कॉस ए यहाँ पर दिख रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, एक यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, इसको भी हटा दीजिए, ये दोनों बराबर है। तो बनता क्या है, केवल साइन ए ऊपर जाएगा, कॉस ए कॉस ए तो आपने नीचे ही काट दिया, साइन ए ऊपर जाएगा, केवल साइन ए बचेगा। अब टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस टेन ए, ये आपको प्रूव करना है सेके कॉस ए सेके कॉस ए प्लस 1। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉर्मूला जहाँ यूज होता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि केवल ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपका एलजेब्रा भी इसमें बहुत तरीके से यूज होती है। तो जब एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें दो चार चीज़ें यूज होती है, इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आ देखें कि इसका उत्तर जो है वो sec a cos a के आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आपको tan और cot को आप तब्दील कर दीजिए किसमें, sin cos में। तो इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ आपको, और ध्यान से देखिए, tan a को लिखा हमने sin a by cos a, cot a को लिखा हमने cos a by sin a, 1 माइनस cot a को लिखा cos a by sin a, 1 माइनस tan a को लिखा sin a by cos a, तो tan a होता है sin a by cos a और cot a होता है cos a by sin a, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये साइन ए को ऊपर रखा, कॉस ए नीचे आएगा, ऑफकोर्स ये डिनोमिनेटर में है, ऐसे लाइन से तो नहीं बता पाएंगे, ये साइन ए को ऊपर रखिए, कॉस ए नीचे आ गया, यहाँ कॉस ए है, साइन ए नीचे आएगा, यहाँ साइन ए नीचे आएगा। अब 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, तो ये क्या बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक, साइन माइनस कॉस बाय साइन ए, ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए बाय कॉस ए, तो इसे क्या मिला आपने को। अब देखिए, ये साइन ए नीचे है, इसको पहले ऊपर ले जा लीजिए, ये जो नीचे है ये साइन ए बाय वन है ना, जब ये ऊपर जाएगा साइन ए बाय वन, ये एक टर्म है, एक तरीके से क्वेश्चन है, ये कहें कि रैशनल है, ये वाला एक रैशनल है, साइन ए बाय वन भी एक रैशनल है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो वन बाय साइन ए बनेगा, तो वन बाय साइन ए बनेगा, राइट, ये इस तरीके से इसको आपको ऊपर ले जाना है और इसको ऊपर ले जाना है, तो इससे क्या मिलेगा, ये जब साइन ए ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, और ये कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, यहाँ तक ठीक है। साइन ए यहाँ कॉस ए अपना चली रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए चली रहा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये साइन ए साइन ए बाय वन बनेगा, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए बन गया, ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप आइए इस को देखिए क्या क्या बनता है, इसमें क्या हो रहा है कि हम साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, यहाँ पर साइन ए है कॉस ए है, यहाँ कॉस ए साइन ए, तो अगर आपको इन दोनों को एक साथ डील करना है तो एक माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, या इसका कर लीजिए या इसका कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस ए माइनस साइन ए को हम लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए, इस कॉस ए माइनस साइन ए को मैं अगर लिखता हूँ माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, जब मैं इसको माइनस बाहर निकालूंगा, माइनस बाहर निकालूंगा, यानी कि आप देखिए इसको मैं करता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए ही बन गया ना, तो अगर आप इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिखना चाहते हैं तो आपको माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमने बाहर इसको लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए, ये भी साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, लेकिन माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ गया। अब ये माइनस आ गया, अब इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हमने बाहर ले लिया, वन बाय साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया, बाहर ले लिया, ये आया साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस ए, माइनस माइनस साइन आ गया, अब कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ से दोनों कॉमन कर दिया ना, क्योंकि दोनों को बराबर बना दिया, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस अंदर साइन आ गया, ये क्या बनेगा साइन क्यू, ये बनेगा कॉस क्यू, और ये बनेगा साइन कॉस, राइट, वन बाय साइन ए माइनस कॉस ए, तो चलिए, तो इस तरीके से आया वन बाय साइन ए कॉस ए, साइन वन बाय साइन माइनस कॉस और साइन इंटू कॉस, यहाँ तक ठीक है, ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। अब साइन क्यूब और कॉस क्यूब इस पर जरा आइए, मैंने जैसे बताया था इसका फॉर्मूला अब लिखना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर हमारा ए है साइन और बी है कॉस,
इसको क्या लिखेंगे, साइन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये माइनस में आएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ओके ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर सारा प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ सारा प्लस होता है, साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ है, साइन ए कॉस ए नीचे भी है, इन दोनों को हटा देंगे, इसको और इसको हटा दीजिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो वन कर दीजिए यहाँ पर, और ये साइन ए कॉस ए बचा यहाँ रख दीजिए, और ये कॉस ए साइन ए आपका है। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, कैसे, जैसे आपने कहा ए प्लस बी बाय सी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी प्लस बी बाय सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाय सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी। तो इसी तरीके से इसको लिखिए, लिखिए अलग से वन बाय साइन ए प्लस कॉस ए, और इसको अलग से लिखिए साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। ये तो बन जाएगा वन, क्योंकि दोनों बराबर है, वन बाय साइन ए कॉस ए हो जाएगा। अब साइन ए वन बाय साइन ए और कॉस ए, साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोजेक, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक, तो ये हो गया कोजेक और सेक, और यहाँ प्लस वन तो है ही, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ऐसे करना है। नेक्स्ट वाला है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें ए है साइन बी है कॉस, यहाँ पर भी आ जाइए प्लस के बाद, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अभी अभी हमने देखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप देखिए ये साइन ए कॉस ए यहाँ से हटा दीजिए, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, और ये वाला भी आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ए माइनस कॉस ए, बचता क्या है, ये कितना है वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, बचा कितना यहाँ पर माइनस वन, ये हो जाएगा तो वन माइनस साइन ए कॉस ए, ये हो गया। यहाँ पर भी आइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा वन, वन प्लस साइन ए कॉस ए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखिए वन माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वन माइनस साइन, ये प्लस है साइन, वन माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए कॉस ए, यानी वन माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए कॉस ए, ये दोनों कट जाएंगे, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, टू ही इसका उत्तर है, दाएं हाथ पे हमको टू ही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, सेक ए सेक बी प्लस टेन ए टेन बी, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस सेक ए टेन बी प्लस टेन ए सेक बी, इसका स्क्वायर है, इसको बताना है कि ये वन है, इसको बताना है कि ये वन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ए मानेंगे, इसको पूरे को बी मानेंगे, राइट, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, ए पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। तो हम पहले इसको लेंगे, माइनस बाद में लगाएंगे, ये वाला माइनस बाद में, और फिर इसको लिख देंगे, थोड़ा अलग लिखेंगे तो थोड़ा क्लियर होता है, क्लैरिटी आती है इसमें। तो सबसे पहले है सेक ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, फिर टेन ए प्लस टेन बी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, फिर टू इंटू सेक ए सेक बी टेन ए टेन बी, तो टू इंटू सेक ए सेक बी टेन ए टेन बी, यहाँ तक ठीक है। अगले पे आते हैं, माइनस यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट में रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लीजिएगा, और उसके अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बिल्कुल वैसे सेम चलेगा, ये सेम चीज करेंगे। अब यहां तक तो हम आ गए, यहां आ गए, अब ये sec a और sec b होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b, यानी कि a into b का होल स्क्वायर का मतलब यही होता है a square into b square। इसकी जगह हमने लिखा sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b, इसकी जगह लिखा हमने tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, इसकी जगह हमने लिखा 2 sec a sec b, जो चीज थी वही लिख दिया, यहां तक आ गए आप, राइट। अब आप देखिएगा कि ये माइनस है सब, अब ये माइनस है ना, माइनस, अब खोल दीजिए इसको, खोल दीजिए इसको, ये माइनस में, ये तो ये माइनस है सेक्स स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, माइनस ऑफ ए प्लस बी हो जाता है माइनस ए माइनस बी, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, माइनस सेक्स स्क्वायर है टेन स्क्वायर बी, माइनस टेन स्क्वायर है सेक्स स्क्वायर बी, और माइनस टू सेक ए सेक बी टेन ए टेन बी, यहाँ तक ओके हो गया। अब आप देखें कि ये टू सेक ए सेक बी सेक, यहाँ पर देखिए सेक ए सेक बी है, टू टू है सेक बी है, टेन ए टेन ए है, टेन बी है, तो ये अगर मैं मानूँ ये x है और ये आपका ये भी x है, तो x माइनस एक्स क्या होता है, ये माइनस है, ये जीरो हो जाएगा। तो पहले इसको और इसको काट दीजिए, जो बाकी बस टर्म बचते हैं उनको ले लीजिए, ये हुआ सेक्स स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर बी, ये हुआ टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे, ये इसको क्या करेंगे, साथ में जोड़ियाँ बनाएंगे, जोड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं कैंसिलेशन करना होगा, तो जोड़ियाँ बनाएंगे, तो सेक्स स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर बी लीजिए, और यहां से उठाइए सेक्स स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी,
क्यों किया, इसको क्यों किया, क्योंकि हम सेक्स स्क्वायर ए कॉमन लेना चाहते हैं। अब यहां आइए, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर बी, क्यों किया इसको, क्योंकि हम टेन स्क्वायर ए कॉमन लेना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से सेक्स स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो क्या जब हमने सेक्स स्क्वायर ए हटा दिया तो बना सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, यहां से हमने क्या किया टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हटा दिया तो टेन स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर बी बन गया, राइट। अब आप देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को यहां ले आइए, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, देखिए सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी ये क्या हो जाएगा वन, टेन स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर बी क्या हो जाएगा ये वन, तो इसको हटा दीजिए, केवल सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बचा, है ना, सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बचा। अब और क्या करेंगे, अब आंसर तो वन लाना है ना, तो यहां तक रुकेंगे नहीं, इस टेन स्क्वायर के ए को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, या इस सेक्स स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर, राइट, इस सेक्स स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम वन प्लस टेन स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर को, इस टेन स्क्वायर को वन सेक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो एक आ रहा है प्लस में और ये सेक्स स्क्वायर थीटा, ये इसको लिख दीजिए ऐसा है, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, यहाँ पर एक माइनस साइन है बीच में, एक माइनस साइन है, और उसी माइनस साइन के कारण, क्योंकि यहां पर ये ब्रैकेट में हमने ले रखा है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा एक प्लस, हम सेक्स स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ये आपका माइनस साइन पे है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन पे है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा, वन आएगा आपका, इसमें थोड़ा सा एक माइनस साइन का जरा फेर है। अब इस ध्यान रखिएगा कि जब हमने माइनस खोला तो सारा माइनस में आया है, सारा माइनस में आया है, तो जब हमने यहां पर लिया तो हमने यहां कहा सेक्स स्क्वायर, ये देखिए थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, अब मैं इसी को टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा कर दूं, माइनस बाहर ले लूं, तो यहां पर भी इसको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस यहां जाएगा, तो यहां पर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये तो ठीक है, ये सॉरी ये वाला सेक्स स्क्वायर ए, यहां पर हमने ये सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये तो ठीक है, ये वन होता है, लेकिन यहां पर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये इसको हम जब सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, क्योंकि ये लाना है हमें वन लाना है, तो यहां पर माइनस बाहर लाएंगे, इससे बाहर लाए हैं माइनस वन, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो अब सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बना, अब सेक्स स्क्वायर ए टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस वन आया, ये कैंसिल हो गया वन, अब टेन स्क्वायर थीटा के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर आना पड़ेगा, ये माइनस ने कैंसिलेशन किया यहां पे, ये अगला सवाल है, इसको हम अगले डिस्कशन में लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।